नमस्कार, मैं बॉबी जय एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। इंदौरा मैदान में भी होंगे कार्यक्रम। त्रिगुण वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर 18 मई को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संयुक्त नागरी समिति के तत्वधान के इंदौरा मैदान में सुबह 7 बजे से अष्टशील उपोत्सव व्रत ग्रहण होगा। 10 बजे धर्मदेशन तथा 11:30 बजे संघदान व सामूहिक भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर 1 बजे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चुनौती व उपाय विषय पर धर्म चर्चा होगी। आयोजक डॉक्टर प्रदीप आगलवाड़े, डॉक्टर कृष्णा कामले, डॉक्टर चंद्रशेखर गायकवाड़ व राजेश लोखंडे ने उपासक व उपासिकाओं से उपस्थित रहने का आह्वान किया है। आतंकवाद विरोधी दिवस पर रक्तदान शिविर 21 को नागपुर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 8वें शहीदी दिवस पर राजीव वोटर्स फाउंडेशन, माउंट कॉमन स्कूल, जीवन ज्योति ब्लड बैंक, नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में वर्धा रोड राजीव गांधी चौक स्थित प्रतिमा के समीप मंगलवार 21 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने शामिल होने की अपील संयोजना संजय दुधे ने की है। 41 कॉलेज बंद, 129 कॉलेजों के 250 पाठ्यक्रमों की संगलनता रद्द की गई। नागपुर राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2019-2020 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पहले एक बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने नागपुर सहित गोंदिया, भंडारा और वर्धा जिले में 41 कॉलेजों की संलग्नता रद्द करके उन्हें बंद करा दिया है। इसके अलावा विवि ने इन 4 जिलों में चल रहे 88 कॉलेजों में 250 से अधिक पाठ्यक्रमों की संलग्नता रद्द करके विद्यार्थियों को इनमें प्रवेश नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हालांकि विधि यह सूची 4 दिन पूर्व ही अपलोड करने वाला था। उस वक्त यह जानकारी सामने आ रही थी कि विवि कुल 93 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबंधित कर रही है, लेकिन 4 दिन के विलंब के बाद विवि द्वारा जारी की गई सूची लंबी है और इसमें नागपुर और आसपास के कई जाने माने कॉलेज के नाम है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।